एवं अनुभव आनंद मठ स्पिरिचुअल रिट्रीट एंड पिरामिड होम डिवाइन देहरादून की। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती, सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। मैं प्रोफेसर मीनू अग्रवाल, कौशाम्बी गाजियाबाद निवासी, अपनी डिग्रियों की चर्चा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक दिन श्री सतीश अग्रवाल जी ने शाम को मेडिटेशन कराते समय सभी की डिग्रियाँ बाहर फिंकवा दी थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने जीवन में पहली बार आनंद मठ में होने वाली रिट्रीट में प्रतिभागिता की। अपने साथियों से इस प्रकार के रिट्रीट के विषय में तो सुन रखा था, परंतु कभी भी प्रतिभाग करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। आनंद मठ में पहली बार प्रतिभाग करने का मेरा अनुभव अद्वितीय एवं अकल्पनीय रहा। सभी गुरुजनों ने बहुत समय देकर बच्चों की भांति हर विषय को समझाने का प्रयास किया। उनमें से एक हैं स्वामी रामदास जी। आप आध्यात्म विषय पर चर्चा करने के बाद पूछते थे कि समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। आपका व्यक्तित्व अवर्णनीय है। यू आर ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हमेशा मुस्कुराते रहना तो जैसे आपको विरासत में मिला है। आपसे बात करने पर लगता है कि शायद आप मेरे अधिक नज़दीक हैं, पर ऐसा नहीं, वह हर व्यक्ति के उतने ही नज़दीक हैं। यह आपका विलक्षण व्यक्तित्व है। आध्यात्म पर बहुत अधिक जानकारियां दी, परंतु मैं अल्पबुद्धि इतनी सारी सार्वगर्भित बातों को एक ही अवसर में समझने योग्य नहीं हूँ। सभी लोगों को आध्यात्म ज्ञान का पूरा पूरा लाभ मिल सके, इसलिए एक शाम को 7 बजे से लगभग 10 बजे तक मौन व्रत करवाया। यद्यपि अधिकांशतः लोगों ने चीटिंग की, इशारों में बातें की, हल्का फुल्का बोलने का भी प्रयास किया। स्वामी जी ने कहा था, सभी से प्यार करो। आपके इस वाक्य ने सभी को बहुत खुशी प्रदान की। श्री सतीश अग्रवाल जी, पिरामिड एवं वास्तु विशेषज्ञ, आपके पास पिरामिड एवं वास्तु का जैसे अलाउद्दीन का खजाना भरा पड़ा है। आपने जितने भी व्याख्यान दिए, प्रत्येक व्याख्यान के अंतर्गत नई नई बातें ही बताई। इस रिट्रीट में मैंने पहली बार पिरामिड का इतना महत्व समझा और अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके भी देखा। मेरी जॉब से संबंधित एक प्रमोशन होना बाकी था जो कि लगभग 2 साल से लटका पड़ा था। से संबंधित मीटिंग 18 सितंबर 2024 को संपन्न हुई। मैं अपने हाथों का पिरामिड बनाकर भगवान के सामने यह प्रार्थना करके गई, हे ईश्वर, मैं अपना काम सक्सेसफुली होते देख रही हूँ। बिना किसी विघ्न के मेरा काम संपन्न हो रहा है। एक बार तो केस इतना उलझ गया कि जीती ही बाजी हारने लगी थी, लेकिन अचानक बाजी पलट गई और अंततः विजय सत्य की हुई। अमृत कुंड, जो कि पिरामिड का आधा लिए हुए है, उसके अंतर्गत पानी में ध्यान लगवाया और बाद में सभी ने स्विमिंग पूल की तरह उसका खूब आनंद उठाया। श्री सुनील योगाचार्य जी बहुत सरल व्यक्तित्व के स्वामी हैं। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी उनके अंदर अहम का कीड़ा नहीं कुलबुलाता है। हर बात को बड़ी सहजता से लेते हैं। अपने विषय का पूर्ण ज्ञान है। योग और उससे संबंधित बीमारियों के लाभों का साथ साथ विश्लेषण भी करते जाते हैं। बताते हैं कि केवल योग करने से कुछ भी लाभ हासिल नहीं होगा। पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए हमें सांसों को नियंत्रित करना होगा, इसलिए उनके विषय में जानना बहुत जरूरी है। आपने अनेकों प्रकार के गेम्स कराए, जैसे चिड़िया उड़, तोता उड़ के स्थान पर डंडा डोली पाल की, जय कन्हैया लाल की, म्यूजिकल चेयर, लेमन रेस आदि। प्रतिदिन शाम को डांस तो हर दिन सुबह प्रभात फेरी कराने में भी पीछे नहीं रहे। रिट्रीट के अंतिम दिन बहुत ही सुंदर तरीके से हवन संपन्न कराया। योगाचार्य जी द्वारा कराए गए खेलों ने बचपन की पुनरावृत्ति कर दी, विस्मृतियों से स्मृतियों के ओर लौटा दिया। सभी बचपन से बचपन में चले गए।
श्री इंद्र मोहन अग्रवाल जी, आनंद मठ संस्थापक, मैं आपको लगभग 35 सालों से जानती हूँ, परंतु कभी भी आपके सानिध्य में इतना समय व्यतीत करने का अवसर नहीं मिला जितना कि अभी 4-5 दिन में समझ पाई। धार्मिक तथा सरल व्यक्तित्व है आपका। जन कल्याण के लिए अपना समय लगाने में विश्वास करते हैं। आनंद मठ में प्रदूषित वातावरण से दूर रखकर शुद्ध वायु ग्रहण करने तथा प्रकृति से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर शायद आपने आनंद मठ की स्थापना की है। भगवान आपको लंबी आयु के साथ साथ स्वस्थ जीवन प्रदान करें। श्रीमती मानसी जी योगाचार्य जी की भांति सरल एवं हसमुख हैं, सारा दिन हंसती रहती हैं। पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन की जिम्मेदारी आपने ही संभाल रखी थी और उसके साथ साथ योगाचार्य जी के साथ हर समय हर काम में साथ रहती थी। चाहे योग कराना है, खेल खिलाने हैं, मंत्र पढ़ने हैं या हवन कराना है। भोजन व्यवस्था का एडिशनल काम लेने पर भी मुंह पर सिलवट नहीं आती थी। मेरी तबीयत खराब हुई तो दिन में कई बार पूछा और हद तो तब हो गई जिसकी मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। टनकपुर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर रात में बैठी हुई थी, वहां से मैसेज करके तबीयत पूछ रही थी। यह होता है अपनत्व जो उनके अंदर कूट कूट कर भरा है। आचार्य जी एवं मानसी जी दोनों को न्यूरोपैथी का बहुत अच्छा ज्ञान है। न्यूरोपैथी से आपने अपने सेंटर पर आए हुए अनेकों मरीजों को ठीक करने के उदाहरण दिए जो कि किसी भी प्रकार की मेडिसिन से संभव नहीं हो रहे थे, आज वे बिल्कुल ठीक हैं। हम सभी प्रतिभागियों की पूरी बॉडी का भी ट्रीटमेंट किया। भगवान आप दोनों को खुश रखें और दीर्घायु प्रदान करें। श्रीमती ऋतु अग्रवाल जी, श्री सतीश अग्रवाल जी की सहंगनी भी भोजन व्यवस्था के मुख्य कर्ता धर्ता थी। मेरा उनसे व्यक्तिगत रूप से तो कोई वार्तालाप नहीं हुआ, परंतु मैंने आपको कई बार भोजन व्यवस्था में सहयोग करते देखा। हाँ, इतना अवश्य जानकारी में आया है कि आप खुले विचारों की महिला हैं। इस रिट्रीट में आए नए प्रतिभागियों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। सभी आपस में एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए थे, इसलिए समय कम प्रतीत हो रहा था। 4 दिन और 3 रात में वहां पर जो गतिविधियां कराई गईं, उनमें से अधिकांश थे मैंने वीडियो में कैद करने का प्रयास किया है। हो सकता है कुछ त्रुटियां हो गई हों, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य पुरानी यादों को कभी भी ताजा कर सके वीडियो के माध्यम से बस यही था। सभी प्रतिभागी गुरुजनों का आदेश ऐसे पालन करते थे जैसे छोटे छोटे बच्चे अपनी टीचर का करते हैं। अगर गुरुजनों ने बैठने के लिए कहा तो बैठ गए, खड़े होने को कहा तो खड़े हो गए, डांस करने के बाद जमीन पर लेटने को कहा तो किसी ने हिचकिचाहट नहीं की। चाहे सुबह 6 बजे आना है प्रभात फेरी के लिए या फिर रात को 10 बजे डांस करने के बाद अपने कक्ष में जाना है, अक्षर सह पालन किया। ये सब आप लोगों के व्यक्तित्व का ही कमाल था, प्रभाव था। अंत में मैं सभी प्रतिभागियों तथा आयोजकों का आभार व्यक्त करती हूँ। जीवन में आपसे कौन मिलेगा यह समय तय करेगा, जीवन में आप किससे मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा, परंतु जीवन में आप किस किस के दिल में रहेंगे यह केवल और केवल आपका व्यवहार ही तय करेगा। एक बार पुनः आयोजकों एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद, त्रुटि के लिए क्षमा। यह मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।